ऐसी उस धरती कौमी तो मनु रिहायशी चुनिया शक्ति का जाता ही कमाल है कि है, जेडी उस आज पवित्र मुझे चुना धरती गया जो है। जिसके चंपू मानवता साहिब की ने पवित्र वास्ते धरती पर गुरु साहब साहिब के श्री गुरु दो गोबिंद बेटों सिंह को जी ने अपने दीवारों पुलिस में को चिना आज्ञा गया दिला दी। था। सिंह शहीद होए उस धरती तो मैं आया, मैनू कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी ने पंजाब की सेवा का मौका दिता है। मैं एक गल कह दा कि मैं आम आदमी का, मैं गरीब का नुमाइंदा है, चाहे गरीब किसान है चाहे मैं एक गरीब बात कहना चाहता दुकानदार हूँ, है मैं आम आदमी का नुमाइंदा चाहे हूँ, गरीब मैं उस गरीब के साथ वो खड़ा हूँ। पिंड च बैठा मजदूर है जिहड़ा रोज मजदूरी करके खाता है, चाहे वो चाहे गरीब छोटा मजदूर है दुकानदार है जो चाहे गरीब किसान है हर दिन चाहे मजदूरी किसी करके जाति का कमा के गरीब है, खाता है, चाहे मैं किसी उन्हां दा भी जाति नुमाइंदा का है ना गरीब है, उम्मीदां दा छोटा नुमाइंदा नहीं दुकानदार है, है। मैं ना उन्हां लोकां दा नुमाइंदा है जिहड़े सोचां दे विच अपनी दे कालख रखते हैं। मैनू उही बंदे मिलने जिहड़े पंजाब दी सेवा करना चाहुंदे है, जिहड़े रेते दा बिजनेस करना चाहुंदे, मैं हाथ जोड़दा मैनू ना मिलना, जिहड़े मैं कोई उन्हें माफिया करना हाथ चाहुंदे जोड़कर मैनू अपील ना करता मिलना हूं, आके, जो कोई गलत मैं काम उन्हां दा किसी नुमाइंदा तरह का नहीं हूँ। रेता या बिजनेस करना चाहते हैं वो मैं लोग मुझसे ना रिक्शा मिले। चलाने वाले दा नुमाइंदा, मैं आप रिक्शा चलाया, मेरे बापू दा टेंट हाउस सी, मैं घर घर कुर्सियां मैं ढो गरीबों गया, का नुमाइंदा हूं मैं और मेरे हर पिताजी बेहद गरीब थे। पंजाब दे आम लोग दा नुमाइंदा। अज आम लोगों का राज पंजाब दे विच स्थापित होया, अज पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी का राज स्थापित होया। आज वाह पंजाब वाह में आम लोगों का सो राज स्थापित सत्कारियों हुआ है। पत्रकार वीरों, मैं थोड़ा बहुत धन्यवाद करना कि मैं पत्रकारों मैं थोड़ा आपका आस बहुत रखना धन्यवाद है करता हूँ, मैं आपसे कि उम्मीद आपां ने रखता रल हूँ के पंजाब दी आपने साथ डेमोक्रेसी मिलके नूं, पंजाब दी आजादी नूं, पंजाब दे लोकां दी चढ़त नूं अगे लेके जाना है, पंजाब नूं पंजाबियत को खुशहाल पंजाब के करना है, लोगों को आगे पंजाब लेके नूं जाना है, पंजाब तकड़ा करना है, को सोने दी खुशहाल चिड़िया एवं है मजबूत पंजाब। करना है। लेकिन मैं एक गल करना चाहुंदा है सोने की चिड़िया है कि पंजाब, लेकिन मैं एक खेती बात बाड़ी कहना प्रधान चाहता हूँ, सूबा है पंजाब, पंजाब दी खेती बाड़ी ते जेकर आंच आएगी तां किसानां नूं अपना गल बढ़ के दे दांगा, अगर लेकिन खेती पंजाब बाड़ी दी या किसानों किसानां ते के कोई आंच किसी दे तरह आंगे की आंच आई किसानां तो दी मैं उनके सेवा सामने अपनी गर्दन भी पेश कर दूंगा। जेड़ी हितैषी सरकार है कांग्रेस पार्टी दी सरकार है, ये काले किसान कानून हितैषी सरकार वापस है, लैंड कांग्रेस वास्ते पार्टी की सरकार है, काले मैं केंद्र कानून सरकार वापस नूं केंद्र अपील करना, सरकार को अपील करता यह हूं। किसानी डूबेगी तो पंजाब डूब जाएगा, किसानी अगर डूबेगी तो किसानी डूबती हिंदुस्तान है डूब जाएगा, तो पंजाब डूब किसानी दे जाएगा, नाल किसानी डूबेगी तो अर्थव्यवस्था जुड़ी हिंदुस्तान होई है, डूब जाएगा, किसान किसान दी फसल के आउंदी साथ है अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई तां है। दुकान दे विच गाहक आउंदा है, किसान दी अगर फसल किसानी आएगी है तां मजदूर सही खेत च काम दुकान करदा के है, बीच ग्राहक आता है, किसान दी फसल आएगी तां किसानी दा पंजाब खुशहाल होएगा, पंजाब सरकार ते असर पैंदा है। इस करके पंजाब सरकार हर तरीके दे नाल इस करके किसानां दे पंजाब संघर्ष नूं सरकार खत्म हर कर रही तरीके है से किसानों और के साथ असीं खड़ी है सब कुछ बारन नूं तैयार है किसानां दे संघर्ष वास्ते, और किसानों के लिए हम सब लेकिन कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार पंजाब हैं। दे किसान नूं कमजोर नहीं होण देवांगे, पंजाब के किसान को असीं किसी भी हर तरीके तरीके से दा समर्थन कमजोर नहीं करदे होने हां दिया जाएगा, किसान संघर्ष हम दा वादा करते हैं, ते अपील करदे हैं कि साथ इन्हां में नूं अपील करते वापस हैं। लिया जावे, जिहड़े काले कानून है कि तीनों असीं कृषि इहदे कानून जो कि विच काले कानून हैं, 100 इनको वापस लिया परसेंट जाए। नेक नीति दे नाल बिना किसे बढ़छड़ रखे बिना किसे ओहदे दा लालच करे किसानां दे नाल खड़ा। अगली मेरी बेनती बिना है किसी लालच बिना किसी स्वार्थ के हम कि किसानों के साथ खड़े मैं हैं। नहीं सुनना ते ना मेरी हाई कमांड ते मेरे लीडर सुनना चाहते हैं ना मेरे एमएलए सुनना चाहते हैं कि पंजाब दे विच कोई नेता माफिया नहीं रहेगा, अज जी इहदा फैसला करना नहीं पैणा, पंजाब के अज ही अंदर अगर फैसला कोई करना नेता है माफिया है तो आज ही उसका फैसला हो जाएगा। जेड़ा बहुत जरूरी है किसानां दा खेतां दी बिजली माफ रहे किसानां दा लोन है, लेकिन एक मोटर गरीबां नूं पाणी पिंड दे लोकां नूं पाणी भी दिंदी है ओह भी माफ होनी चाहीदी है, गरीबां दा पाणी माफ होएगा पिंडां दे विच ओह मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा।
10 लाख रुपये के बिल खड़े या 20-20 लाख के 50-50 लाख के सारे माफ करांगे। पंजाब के किसानों के बिजली बिलों के पानी के बिल माफ किए जाएंगे। किसे गरीब का कनेक्शन इस करके नहीं कटेगा के जी उसका बिल देना है।